सलूट मारी जय जनाब कला कहां भाई फौजी बिलाजी करते फोन आया घराली सख्त बीमार है एक महीने की छुट्टी दे दो वो साहब कहलेगा नहीं भाई छुट्टी सब की कैंसिल कर दी तुमसे जा रहे उन्हें उल्टे बुलाने लग रहे हैं क्यों खुफिया एजेंसी तो बेरा लग गया भाई दुश्मन किसी टाइम भी अटैक कर सके है ये सम्मानित फौजियों की तरफ से 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है बोला भाई छुट्टी कैंसिल छुट्टी नहीं मिलेगी फौजी कह लगा जी छुट्टी तो देनी पड़ेगी घराली सख्त बीमार है बोले ना भाई छुट्टी तो कैंसिल बता दिया कर दी उल्टे आने लग रहे हैं सारे दिन की छुट्टी जो रही थी नू बोला भाई छुट्टी नहीं मिलेगी चोर कुछ नू बोला जी छुट्टी देनी पड़ेगी घराली मर गई थे यू बॉर्डर बॉर्डर रह जाएगा फिर मेरे द्वारा कुछ ना जिद कर ली फौजी ने वो साहब कह लगा भाई जिद कर रहे यार वाक्य मंत्री घराली बीमार है मैं इंक्वायरी करूंगा जब बीमार हुई तो तने एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी न्यू बोला जी ठीक है इंक्वायरी कर लो मंजूर है न्यू कह के और फौजी अपना बैरक में खाकर रोटी पानी सो गया तड़के उठा नहाया धोया बड़ा राजी हो रहा मैं इंक्वायरी कर लियो गिर जाते छुट्टी मिलेगी फिर जाके सलूट मारी जाए जनाब कहा भाई जवाब बोला जी कल छुट्टी के लिए आया था और आप कह रहे थे इंक्वायरी करूंगा इंक्वायरी कर लियो गीब तो छुट्टी दे दो न्यू बोला हाँ अरे तू तो फौजी बहुत झूठा बोला जी क्यों क्यों क्या मैंने तेरे घर फोन कराया बोला जी फिर के फोन उठाया तेरे घर वाली ने और मन ने पूछा जी इस तरह जवान हरनू के घर वाली सख्त बीमार है एक महीने की छुट्टी मांगे क्या आप बीमार हो बोला जी फिर के बोली के बोला साफ नाटकी हाँ बोली जी महाराज घर के पड़ोस मर पूरे गांव में कोई बीमार नहीं और बोला इन्हें छुट्टी ना दे दियो अंधे सारे कुंड मैंने बहुत दुखी करे है गांव ने दुखी रखेगा अर्जा भाज जा तेरी छुट्टी कैंसिल फौजी ने शर मारिया बोला साहब झूठे बहुत देखे थे पर तेरा तो बड़ा झूठा नहीं देखा बोला क्यों क्योंकि बोला जब मेरा ब्याह ना हो रहा बात ने त्रिबुआ तक कर दी।